Morning friends, yesterday we have studied about the structure of embryo sac. Now today we will continue with the pollination, types of pollination and different agents of pollination. Pollination. Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma. सिंपली पोलिनेशन का मतलब है कि एक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे. सपोज वी हैव अ प्लांट एंड इस प्लांट पे कुछ इस तरह से फ्लावर जैसा है, ये अपना फ्लावर हो गया. एंड सपोज वी हैव अनदर प्लांट and we have a flower, एक फ्लावर इस पे है. सिमिलरली इस पे और भी कुछ फ्लावर्स है. इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन इज फ्रॉम सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर पे ट्रांसफर होगा पोलिनेशन का टाइप होगा ऑटोगैमी. अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा एक ही पेड़ के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, देन दिस इज जिप्टनोगैमी. जिप्टनोगैमी सिंपली मींस ट्रांसफर टू द नेबरिंग फ्लावर. अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक ऑफ द सेम स्पीशीज, देन दिस इज कॉल्ड एज जीनोगैमी या फिर एलोगैमी. और हम आर्टिफिशियल भी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ कुछ जो है अपने पोलिनेशन के टाइप्स हैं. अब इन्हीं को हम देखेंगे अच्छी तरह से. पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. First is self-pollination. And second is cross-pollination. Cross-pollination. Self-pollination is of further two types, जैसा कि हमने देखा. फर्स्ट इज ऑटोगैमी ऑटोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर सेम प्लांट, एक ही फ्लावर से उसी पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. इसके लिए जो एक चीज इंपॉर्टेंट है उसका होना जरूरी है, दैट इज बाइसेक्सुअलिटी. जो अपना फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए ऑटोगैमी के लिए, बाइसेक्सुअलिटी. नाउ सेकंड इज जिप्टनोगैमी. जिप्टनो मींस नेबर, नेबर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम
one flower, show the another flower, another flower of same plant. Plant एक ही रहेगा पर एक ही plant के दो अलग अलग flower हो जाएंगे. Same plant. And इसकी जो special चीज वो क्या है? जो ये mechanism है, mechanism तो इसका है cross pollination. मैकेनिज्म क्रॉस पोलिनेशन इसलिए क्योंकि फ्लावर्स एक से दूसरे पे जा रहा है पर जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन. जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन इसलिए है क्योंकि प्लांट सेम है. देन इसके बाद क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन में आता अपना एलोगेमी या फिर ज़ीरोगेमी. इसमें क्या होता है? डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज. प्लांट अलग अलग होंगे बट स्पीशीज सेम होगा. And then one more in cross pollination. This is hybridization. Hybridization is the artificial transfer of pollen grains to the seed mound. तो ये अपने types of pollination थे, basically जो अपने होते हैं. Now we will study about the contrivances of self pollination. कि क्या चीजें हैं कॉन्ट्रावर्सीज में हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो चीजें सेल्फ पोलिनेशन को सपोर्ट करती हैं. कॉन्ट्रावर्सीज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. काफी इंपॉर्टेंट है चीज, अच्छे से समझे इसको. First is homogamy या फिर bisexuality या फिर dioecious. Dioecious इसमें क्या होता है ना? Flower is bisexual and the anther and stigma mature at same time. Self pollination कराने के लिए anther और stigma mature होंगे same time पे. सेम टाइम. इसमें क्या होता है कोमेलिना में क्या होता है? इन कोमेलिना द एंथर एंड स्टिग्मा स्टिग्मा are grown together by coiling and folding. Coiling and folding से anther और stigma को एक साथ लेके आया जाता है इसमें ताकि self pollination हो सके. इसमें example जो अपन आया हुआ है कोमेलिना. Example is कोमेलिना. ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है एंड इसको बोलते हैं डाइकोगैमस. ये कैसा है? डाइकोगैमस. डाइकोगैमस
ये एक चीज है डाइकोगैमस में होती है जो एंथर और स्टिग्मा एक साथ लाए जाते हैं बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग। कोमेलिना में डाइकोगैमस फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होते हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। नाउ द सेकंड इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल और फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल बट तो नहीं कहेंगे एंड रिमेन क्लोज्ड टू एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन एंड रिमेन क्लोज्ड टू एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का इसमें चांस ही नहीं है क्योंकि फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं, क्लोज रहते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स अपने कोमेलिना में भी फॉर्म होते हैं एंड द सेकंड एग्जांपल इज ऑक्सेलिस ऑक्सेलिस एंड द थर्ड कॉन्ट्रावेंसी फॉर सेल्फ पोलिनेशन इज बर्ड पोलिनेशन। वही सेम फ्लावर बाइसेक्सुअल ही रहेंगे, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अपने बाइसेक्सुअल है। द एंथर एंड फिलामेंट मैच्योर बिफोर ओपनिंग ऑफ बर्ड। कली के खिलने से पहले ही एंथर और जो अपना फिलामेंट नहीं स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर बिफोर ओपनिंग ऑफ बर्ड। बर्ड के ओपन होने से पहले ही ये जो स्टिग्मा और एंथर है मैच्योर हो जाते हैं टू एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन पोलिनेशन। इसमें जो अपने कॉमन एग्जाम्पल्स आते हुए हैं वीट एंड राइस। अब हम करेंगे कॉन्ट्रेवेंसीज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या चीजें हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिक्लाइन या फिर यूनिसेक्सुअलिटी means the flowers are dioecious। sorry मैं होमोगैमी नहीं डायोशियस बता गया, बट डायोशियस नहीं मोनोशियस आएगा। means एक ही प्लांट पे दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे। तो मींस द फ्लावर्स आर डायोशियस। डायोशियस मतलब दैट इज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए जो मेल और फीमेल फ्लावर्स है वो अलग अलग
plant pe present hogi. The male means the male, the flowers are dioecious, that is male and female flowers on different plants to prevent self pollination. इसमें जो अपने कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं पपाया, डेट पाम पपाया एंड एक मर्चेंटिया, मर्चेंटिया डिक्लाइन ही समझ में आ गया होगा आपको, यूनिसेक्सुअलिटी इसके लिए जरूरी है. एंड इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं ना. वो जो दूसरी चीज है, जो दूसरा कॉन्ट्रीवेंसी है, वो है डाइकोगेमी. मींस मेल एंड female parts, reproductive parts mature at different time interval. अलग अलग टाइम पे मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होंगे. ये भी फर्दर दो टाइप का है. दिस इज फर्स्ट इज प्रोटो एंड्री. प्रोटेंड्री में क्या होगा, जो अपना मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगा. मेल पार्ट मैच्योर अर्लियर, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा. इसमें जो कॉमन एग्जांपल अपने हैं वो हैं साल्विया, सनफ्लावर एंड कोरिएंडर. मतलब धनिया एग्जाम्पल आप टेली भी कर सकते हैं, गलत तो होने नहीं चाहिए वैसे. एंड देन सेकंड इज प्रोटोगाइडी. प्रोटोगाइडी में क्या होगा, जो फीमेल पार्ट है फीमेल पार्ट मैच्योर है. इसमें जो अपने कॉमन एग्जांपल है वो है रोज, क्रूसिफर एंड टोबैको. स्पेस अभी जैसे करते हैं थर्ड. दिस इज सेल्फ स्टरिलिटी. सेल्फ स्टरिलिटी में क्या होता है, इफ द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर ऑफ सेम टाइप बोले तो एक ही प्लांट के अगर वो है, दैट इज ऑफ सेम प्लांट. Same plant, then formation of pollen tube. Formation of pollen tube is not allowed. अगर दोनों एक ही प्लांट के तो उसको pollen tube कोई नहीं बनने देंगे. Due to presence of similar sterile genes, due to presence or due to expression of similar sterile genes, to ensure cross pollination. और वी कैन से टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है, अगर पोलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों एक ही प्लांट के हैं तो वो सेम टाइप के होंगे.
अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर स्टेराइल जीन्स टू एंश्योर क्रॉस पोलिनेशन। जो इसमें अपना कॉमन एग्जाम्पल है वो है ऑर्किड्स का, ऑर्किड्स ऑर्किड्स। नाउ द फोर्थ वन इज हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली में क्या होता है, जो हेड स्टाइल होता है जो अपना डिफरेंस इन इन साइज ऑफ स्टाइल, डिफरेंस इन साइज ऑफ स्टाइल टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। जो स्टाइल का साइज होता है मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन को सपोर्ट ही ना हो। एंड द लास्ट वन इज हर्कोगैमी, हर्कोगैमी में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फिजिकल बैरियर, नेचुरल फिजिकल बैरियर, एक नेचुरल फिजिकल बैरियर बन जाता है जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। एग्जांपल लेते हैं हम साइप्रेपीडियम में, साइप्रेपीडियम में क्या होता है द स्टिग्मा lies on the root of insect entry and the anther near the exit। जो अपने मेल और फीमेल पार्ट है वो डिस्टेंस पे हो जाते हैं, जो स्टिग्मा लाई करेगा वो इंसेक्ट की रूट की एंट्री पे लाई करेगा और जो एंथर होगा वो एग्जिट के पास। इसका जो अपना एग्जांपल है वो है साइप्रेपीडियम। तो ये थे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन एंड कॉन्ट्रावेंसीज ऑफ पोलिनेशन। नाउ वी विल मूव टू डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन अपने टू टाइप्स के हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। Firstly, we will consider abiotic. Abiotic में सबसे पहले आता है anemophily. Anemophily means pollination by wind. Wind pollination के लिए हमें क्या चाहिए? ना तो flower colored होना चाहिए, ना nectar की जरूरत है, ना edible होना चाहिए pollen grains. Simply जो जो अपने पोलन ग्रेन्स है वो लाइट होने चाहिए, फैदरी होने चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट और जो स्टिग्मा है वो है अपना फैब्रिक,
so that it can receive the pollen grains from air. पैदरी होना चाहिए इसके बाद. और इसके जो अपने बायो एनिमोफिली के जो कॉमन एग्जांपल है वो है ज्वार, सेकंड इज मेज एंड शुगर केन. एंड जो अपनी दूसरी चीज आती है वो है हाइड्रोफिली. हाइड्रो से आप समझ ही गए होंगे पोलिनेशन बाय वाटर. बाय वाटर ये भी दो तरह का होता है. एक्टी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली. एपी यानी कि एट सरफेस, वाटर के सरफेस पे. एंड हाइपो यानी कि बिलो. इसमें क्या होता है, जो अपने फ्लोरल पार्ट्स होते, फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल. ये तो पॉइंट दोनों में चलेगा अपना. एंड दूसरा पेडिसेल होगा जो लॉन्ग एंड कॉइल्ड. इसमें क्या होगा, जो अपने पोलन ग्रेन्स होंगे वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, मतलब उनका नंबर काफी ज्यादा होगा. और फिर वो क्या करेंगे, जो फीमेल पार्ट ऑफ स्टेमन के आसपास जाके इकट्ठा हो जाएंगे. इकट्ठा होने के बाद, उसके आसपास इकट्ठा होने के बाद उनमें एंथेसिस होगा, जिससे कि फिर वो पोलिनेशन टेक प्लेस करेगा. तो इसका एग्जांपल है वो अपना वेलिसनेरिया. नाउ हाइपोहाइड्रोफिली बिलो वाटर, पानी के नीचे. सेम इसमें फ्लोरल पार्ट है वो अनवेटेबल होने चाहिए. और जो अपना पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर निडल शेप. निडल शेप इसका जो एग्जांपल है वो है, एग्जांपल है इसका कॉमन सा जो अपना है वो है जोस्टेरा. And the second one is ceratophyllum. तो ये थे अपने abiotic agents थे जो pollination के लिए. Now we will move to biotic. Biotic में जो सबसे first आता है वो है अपना entomophily. Entomophily बोले तो by insects. By insects. तो ये किस किस प्लांट में होता है, ये होता है रोज, जैस्मिन, साल्विया, सेस्ट्रम एंड द वन इज कोरोना ऑफ पैशन फ्लावर. पैशन फ्लावर and the one is petaloid bracts of किसमें होता है, बोगनविला. ये जो अपने कॉमन प्लांट्स है जिनमें एंटीमोफिली बाय इंसेक्ट होता है. और जो कॉमन इंसेक्ट्स है वो है अपने सबसे पहले फ्लाइज, बीज. जो बी है वो 70% पोलिनेशन करवाती है एंजियोस्पर्म ऑर्किड्स में, नॉट इन. हाँ वो भी एंजियोस्पर्म से होते हैं वैसे ऑर्किड्स भी. ऑर्किड्स में जो 70% पोलिनेशन होता है वो बाय बी होता है.
then four insect butterflies, then moth and beetle, etc. The next biotic component is ornithophily. Ornitho simply means bird, philly means loving. So ye ho gaya by birds. इसमें अपने जो कॉमन एग्जांपल है प्लांट्स के हुए हैं बिगोनिया, बूटिया बूटिया बोम्बेक्स. बूटिया है अपना पलास. पलास तो आप सबने सुना ही होगा. और इसके जो कॉमन एग्जांपल है वो है बर्ड्स के सनबर्ड्स, हमिंगबर्ड, क्रो, बुलबुल एक्सेट्रा. इसमें एक एग्जांपल और है वो है कैलिस्टमोन या कुछ ऐसा ही कैलिस्टमोन. ये अपना कैलिस्टमोन है. नेक्स्ट इज चिरोप्टेरोफिली. ये स्पेसिफिक है बाय बैट्स. इसमें जो अपना कॉमन प्लांट्स एग्जांपल है वो है कदम या फिर एंथोसिफेलस. नेक्स्ट इज एडनसोनिया या फिर बोआबाब, देन बाहुनिया एंड नेक्स्ट इज किगेलिया पिन्नाटा. किगेला पिन्नाटा एंड देन अब यहां इरेज करना पड़ेगा इसके लिए. इसके बाद जो अपना फोर्थ है वो है मालकोफिली मींस पोलिनेशन बाय स्नेल्स. यूजुअली किस सीजन में होता है? रेनी सीजन में. इन रेनी सीजन और होता किस में जो एग्जांपल है वो है स्नेक प्लांट और क्राइसेंथेमम. द नेक्स्ट वन इज ओफियोफिलस. ओफियोफिलस ओफियोफिली ओफियोफिली मींस बाय स्नेक्स. जो पोलिनेशन स्नेक्स करते हैं उसे बोलते हैं ओफियोफिली. इसमें जो अपना एग्जांपल है वो है संतालम या फिर कह सकते हैं चंदन और वी कैन से टू बी एज सैंडल. तो ये अपने पांच कॉमन हो गए एंड इसके बाद जो अपना लास्ट वन रहता है वो है मिरमेकोफिली. मिरमेकोफिली बाय आंट्स. ये यूजुअली किस आंट की कौन सी स्पेल? ये यूजुअली आंट्स की कौन सी जो फैमिली करती है? दिस इज यूजुअली डन बाय रूबिएसी फैमिली.
तो ये थे अपने बायोटिक कंपोनेंट्स जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, और जो एग्जांपल है इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए जो पूछे जाते हैं बार बार, सो प्लीज लर्न देम केयरफुली एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली.